हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। सो टुडे वी हैव टू स्टडी द सेकंड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड फिफ्थ बुक कंप्यूटर बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अपने पिछले लेक्चर में स्कैनर तक हुआ था, तो अगले अपने लेक्चर में भी जॉयस्टिक देखना है, जो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस देख रहे थे हम, तो डी जो जॉयस्टिक है वो जॉयस्टिक स्टार्ट करते हैं। जॉयस्टिक और जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑफन यूज फॉर द प्लेइंग वीडियो गेम्स। जॉयस्टिक ये जो है, ये इनपुट डिवाइस, ये बेसिकली वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज़ होता है। वेब कैमरा, वेब कैमरा इज़ यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ अ रियल इमेज टू द कंप्यूटर। वेब कैमरा जो लाइव इमेज जो रहता है उसको कॉपी भेजने के लिए, इधर से उधर भेजने के लिए काम में आता है। ओके, एफ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन साउंड्स इज रिकॉर्डिंग इनटू अ कंप्यूटर थ्रू द माइक्रोफोन। कंप्यूटर में अपना आवाज़ हम और किसी भी टाइप का साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी में आता है बार कोड रीडर। अ ब्लैक एंड वाइट पैरेलल लाइंस ऑन द प्रोडक्ट कंटेन द कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। दिस इज द रीड बाय द बार कोड रीडर। मतलब जो आप सुपर शॉपिंग में जाके बार कोड रीड करके वो जो प्रोडक्ट का डिटेल्स वगैरह, जो प्राइस प्रोडक्ट वगैरह है, उसकी कोडेड इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपना इनपुट डिवाइसेस हो गए। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है, अ डिवाइस दैट अलाउज द यूज़र टू सी द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज एन आउटपुट डिवाइसेस। मतलब जो यूज़र जो इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहता है कंप्यूटर से, वो उसको मिलने के बाद उस डिवाइसेस में से उस पर उसको, मतलब यूज़र जो डिवाइस को अलाउ करता है फॉर अ इंफॉर्मेशन जनरेशन बाय द कंप्यूटर, दैट नोन एज द आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या आता है, पहला है मॉनिटर। द डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ टीवी, टीवी स्क्रीन इज कॉल्ड अ मॉनिटर और द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो डिस्प्ले रहता है, जो उसका मॉनिटर रहता है, वो कैसे दिखता है, टीवी और स्क्रीन, टीवी स्क्रीन जैसे जो दिखता है उसको मॉनिटर कहते हैं, या उसको वीडियो, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर डिस्प्लेज द इनपुट एंड आउटपुट। मतलब जो मॉनिटर जो है, स्क्रीन का मॉनिटर कहता है, वो डिस्प्ले क्या करता है, इनपुट एंड आउटपुट डिस्प्ले करता है। द मॉनिटर हैज़ अ बटन टू स्विच और स्विच इट और ऑन ऑफ। मतलब मॉनिटर जो रहता है वहाँ पे एक बटन रहता है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए। एंड ऑल्सो बटन टू द चेंज द ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एंड एटीसी। मतलब उसके ऊपर स्विच ऑन करने के लिए तो बटन रहता ही है, उसके बाजू में ब्राइटनेस चेंज करने के लिए और कॉन्ट्रास्ट अलग अलग फंक्शनिंग में बटन रहते हैं। द मॉनिटर कम्स इन अ डिफरेंट साइजेस लाइक 15 inches, 17 inches एंड 19 inches। ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लैक एंड वाइट, मोनोक्रोम एंड कलर। जो ऊपर दिए हुए वो CRT मॉनिटर दिया हुआ है, ये वाला हमारे डब्बे में कंप्यूटर बोलते थे हम पहले, और ये हमारा LCD। अभी जो हमारे घर में रहता है वो LCD रहता है बेसिकली। ओके, द मॉनिटर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट टुडे आर CRT कैथोड रे ट्यूब एंड LCD। ओके, मतलब हमारा कैथोड रे ट्यूब जो तो बड़ा डब्बा रहता है वो कैथोड रे ट्यूब, और जो LCD रहता है वो अपने LCD TV वगैरह जो मॉनिटर्स बोलते हैं वो वाला। सेकेंड आउटपुट डिवाइसेस है प्रिंटर। सो प्रिंटर क्या है, द आउटपुट सीन ऑन द कंप्यूटर कैन बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर में स्क्रीन में जो मॉनिटर में दिया हुआ आउटपुट, वो प्रिंटर के मदद से वो हम पेपर पे वैसे के वैसा छाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विद अ केबल। प्रिंटर कैन बी अ ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट और कलर। जो प्रिंटर है ये जो कनेक्टेड रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स से, जो डब्बा रहता है बाजू में बड़ा वाला, उससे कनेक्टेड रहता है। प्रिंटर्स कैन बी ब्लैक एंड वाइट और कलर। प्रिंटर में हम ब्लैक एंड वाइट भी लिख सकते हो या टाइप कर सकते हो, और कलर प्रिंटर्स भी आए हैं। तो देखिए, तीन प्रकार के प्रिंटर रहते हैं। डॉट मैट्रिक्स मतलब डॉट डॉट में वो प्रिंट करते हैं। इंजेक्शन प्रिंटर्स मतलब हमारे जो इंक, मतलब हमारे जो इमेजेस वगैरह जो प्रिंट करते हैं वो कलर्स में भी रहता है। ये डॉट मैट्रिक्स रहता है, ये ब्लैक एंड वाइट रहता है। एक लेज़र प्रिंटर जो रहता है, वो लेज़र प्रिंटर मतलब लेज़र स्कैन करके जो जैसे जेरोक्स निकालता है वैसे वो भी निकाल सकता है। ओके, तो सी आता है हमारा स्पीकर। स्पीकर जो आउटपुट डिवाइस है, बाजू में स्पीकर का इमेज दिया हुआ है। देखो, द रिकॉर्डेड साउंड स्टोर इन दिस कंप्यूटर कैन बी प्लेड बैक थ्रू दी स्पीकर्स। मतलब जो कंप्यूटर में हम जो एक थोड़ा सा भी साउंड सुनना चाहते हैं या दिखाना देखते हैं,
उसका जो प्लेबैक साउंड जो रहता है वो प्लेबैक साउंड में हम स्पीकर में से सुन सकते हैं। ओके, द कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर में मेमोरी रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन अभी। अ डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा फॉर अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड एज मेमोरी। हम उसमें जो जिसमें हम स्टोर जो डेटा स्टोर करते हैं वो थोड़े समय के लिए बड़े समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड एज अ फॉलोज। तो क्लासिफाइड दिया हुआ है क्लासिफिकेशन कंप्यूटर मेमोरी का। जो कंप्यूटर मेमोरी क्लासिफाइड होती है दो हिस्सों में, पहला रहता है प्राइमरी और सेकंड रहता है सेकेंडरी डिवाइसेस स्टोरेज। ओके, तो प्राइमरी में क्या क्या आता है, रैम आता है, रोम आता है, हम नीचे देखेंगे उसका फुल फॉर्म और उसमें क्या क्या आता है वो देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। सो पहले हम प्राइमरी मेमोरी, जो पहला हिस्सा है मेमोरी का, उसको स्टडी करेंगे। प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ अ मेन मेमोरी, इट इज़ अ टू टाइप्स। जो मेमोरी रहती है प्राइमरी मेमोरी, ये मेन मेमोरी रहती है कंप्यूटर की, और वो टू टाइप्स की रहती है। पहला रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस मेमोरी टेम्पररली होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें जो हम डेटा वगैरह स्टोर करते हैं या डालते हैं वो थोड़ी देर के लिए ही स्टोर होता है, डेटा इंस्ट्रक्शंस। ओके, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो एवरीथिंग इज दिस मेमोरी गेट इरेज्ड। मतलब जो मेमोरी में हम रैम में जो स्टोर करा रहता है स्विच ऑफ करने के बाद वो सब डिलीट हो जाता है। ओके, सेकेंड है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी परमानेंटली स्टोर्स द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विच शुड नॉट गेट इरेज्ड एंड चेंज। मतलब रोम में जो हम स्टोर करते हैं डेटा इंस्ट्रक्शंस वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। हम कंप्यूटर स्विच ऑफ ऑन भी कर लेते हैं फिर भी वो उसमें स्टोर ही रहता है। ओके, इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिमेन्स इन द मेमोरी। इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शंस में रिमेन्स रह जाते हैं। सेकेंड वाला है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इट इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर यूजर प्रोग्राम्स। मतलब यूजर से जो प्रोग्राम्स है वो परमानेंटली स्टोर के लिए सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती है, एज वेल एज द रॉ एंड प्रोसेस डेटा। तो प्रोसेस जो रॉ डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। बोथ द प्रोग्राम्स एंड द डेटा कैन बी रिपीटली व्हेन वेर एवर रिक्वायर्ड। मतलब जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हम डालते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, हमें जब चाहिए तब वो हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल रहते हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, तो टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर ब्रॉट मेनी चेंजेस इन इट्स स्पीड, वर्किंग एंड साइज। अकॉर्डिंग द कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इन टू द डिफरेंट टाइप्स। मतलब कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके उसके ऊपर हुआ है, इसके ऊपर हुआ है वो उसका स्पीड, वर्किंग और साइज पे हुआ है। अकॉर्डिंग टू द तो कंप्यूटर के जो सात पार्ट पड़ते हैं वो सात पार्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या है। पहला है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर, फोर्थ पर्सनल कंप्यूटर, फाइव लैपटॉप, सिक्स्थ पैलमटॉप कंप्यूटर एंड सेवन टैबलेट कंप्यूटर। द पर्सनल एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव द बिकम वेरी कॉमन। मतलब हर एक के घर में लैपटॉप रहता है, और जो पर्सनल कंप्यूटर रहता है, पर्सनल कंप्यूटर देखेंगे अभी। पर्सनल कंप्यूटर, इट इज़ द डिज़ाइन फॉर द जनरल यूज़, जनरल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया, एंड कैन बी यूज फॉर द सिंगल पर्सन के लिए। पीसी आर कॉमनली यूज एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड अ हाई स्पीड। स्मॉल साइज रहता है और हाई स्पीड के लिए यूज़ होता है। द कंप्यूटर विच इज़ यूज इन द स्कूल इज द पर्सनल कंप्यूटर। हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर है वो पर्सनल कंप्यूटर है। ओके, देखिए इमेज में दिया हुआ है पर्सनल कंप्यूटर, जो पहला वाला दिया हुआ है ये है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, देखिए पर्सनल कंप्यूटर में हम क्या क्या मिलता है हमें, कीबोर्ड स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के, हेडफोन रहता है, कीबोर्ड रहता है, सीडी रोम ड्राइव, वो जो सीपीयू दिया हुआ है डब्बा सा, ये बड़ा वाला डब्बा, इसमें रहता है सीडी रोम ड्राइव, ये माउस है, ये स्कैनर, ये स्पीकर, ये सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, स्पीकर और ये माइक्रोफोन। ओके, सो ये लैपटॉप बाजू में का हमारे, हम आपको सबको बता होगा लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का डिफरेंस। सो बी रहता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर्स आर सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर्स बट मच लाइटर एंड स्मॉलर। मतलब ये जो है वो पर्सनल कंप्यूटर से मतलब उतना ही अच्छा काम कर सकता है, लेकिन वो लाइटर है, मतलब इजी टू हैंडल है, और स्मॉल है मतलब छोटा सा है। लैपटॉप कैन बी कैरीड एनी वेयर, लैपटॉप हम हर जगह कैरी कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर, पहला है स्पीड। कंप्यूटर कैन कैलकुलेट एट अ हाई स्पीड। कंप्यूटर जो वर्किंग वगैरह करता है वो हाई स्पीड से करता है। एफिशिएंसी, अ कंप्यूटर कैन वर्क टायरलेसली एज लॉन्ग एज इट रिसीव द पावर सप्लाई। मतलब जब पावर सप्लाई जब यूज़ होता है तब वो टायरलेसली वर्क कर सकता है तब तक।
द कंप्यूटर कैन रिपीट द सेम टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर में हर एक टाइम जो हम टास्क करते हैं वो सेम स्पीड से जितनी बार करेंगे उतने सेम स्पीड से एंड एक्यूरेटली वो आंसर देगा, मतलब एफिशिएंसी उसकी अच्छी है। एक्यूरेसी, द कंप्यूटर गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट्स एज लॉन्ग एज रिसीव्स द करेक्ट डेटा इंस्ट्रक्शन। हमें एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मिल सकता है। स्टोरेज, कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी सो इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा स्टोर कर सकते। यूज ऑफ अ कंप्यूटर, सो यूज ऑफ अ कंप्यूटर में देखेंगे पहला है कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। इन अ स्कूल एंड एट अ होम्स कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज टू लर्न द डिफरेंट सब्जेक्ट इजिली एंड क्विकली। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द लर्निंग। टेस्ट कैन बी ऑल्सो कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन कैन बी क्विकली ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट। मतलब स्कूल में हम होम में कंप्यूटर में हर अलग तरह के सब्जेक्ट्स इजीली एंड क्विकली लर्न कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर द लर्निंग। टेस्ट हम कंप्यूटर पे हर एक टाइप के हम टेस्ट दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्विकली हम इंटरनेट से निकाल सकते हैं। कंप्यूटर्स इन एंटरटेनमेंट, यू कैन यूज़ द कंप्यूटर टू प्ले गेम्स, गेम्स प्ले करने के लिए, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स वॉच म्यूजिक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। थर्ड है कंप्यूटर्स इन ऑफिसेस, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स ऑल टाइप ऑफ वर्क्स इन ऑफिस आर नाउ डन मोर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंटली। मतलब ऑफिसेस में जो कंप्यूटर्स है वो इफिशियंटली काम कर सकते हैं, एक्यूरेसी देते हैं। दे आर यूज फॉर द टाइप लेटर्स के लिए, पेपर्स और रिपोर्ट्स, मेंटेन द वेरियस रिकॉर्ड एज वेल एज द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए भी यूज होता है ऑफिसेस में। कंप्यूटर्स इन द बैंक, योर पेरेंट्स कैन सी द स्टेटस ऑफ देयर बैंक्स ऑन अ कंप्यूटर एट द होम। हम घर हर घर बैठे ही हमारे बैंक का हम स्टेटस देख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गो द ATM काउंटर ऑन द डे एंड नाइट विदड्रॉ ऑल द मनी। मतलब हम कंप्यूटर से यहाँ से वहाँ पैसे भी भेज सकते हैं विदाउट टू गो द ATM। दिस फैसिलिटी हैव बिकम यूज्ड टू द यूज ऑफ कंप्यूटर बाय द बैंक्स। बैंक्स में जो कंप्यूटर रहता है उसमें से फैसिलिटी हमने मिलती है। कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल कंप्यूटर्स आर यूज टू डायग्नोज द डिसीजेस। हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर रहता है वो डिसीज डायग्नोस के लिए यूज होता है। एनालाइजिंग द ब्लड एनालाइजिंग के लिए, स्कैन इंटरनल ऑर्गन्स, चेक्स द हार्ट डिसीज एंड चेक आईसाइट के लिए यूज होता है। ये अपने यूज ऑफ कंप्यूटर्स देखें। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर ये लेसन समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।